कावेरी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों हुई हिंसा में तमिलों पर हमले के विरोध में आज तमिलनाडु बंद है। बंद को सफल बनाने के लिए डीएमके समेत तमाम सियासी दल सड़क पर हैं। चेन्नई में भी डीएमके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यहां डीएमके की नेता कनिमोझी भी मौजूद रही। पुलिस ने कनिमोझी को हिरासत में ले लिया। साथ ही चेन्नई में भी प्रदर्शन कर रहे डीएमके नेता एमके स्टालिन को भी हिरासत में लिया गया है, जबकि एमडीएमके चीफ वाइको को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं तमिलनाडु के किसानों ने सैदापेट रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर लेटकर प्रदर्शन किया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही कुछ देर के लिए बंद रही। बंद का तमिलनाडु में व्यापक असर देखा जा रहा है। राजधानी चेन्नई समेत तमाम इलाकों में दुकानें, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज बंद दिख रहे हैं। स्थिति को देखते हुए तमाम इलाकों में पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने को कहा था। इसी मुद्दे को लेकर तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को अपने आदेश में बदलाव करते हुए कर्नाटक से कहा कि वह 20 सितंबर तक तमिलनाडु को 12,000 क्यूसेक कावेरी का पानी दे। यह फैसला आने के कुछ ही घंटे बाद हिंसा शुरू हो गई थी। कावेरी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद कुछ दिन तक स्थिति काबू में रही, लेकिन आज फिर कावेरी विवाद को लेकर तमिलनाडु में प्रदर्शन हुए और राजनीतिक पार्टियों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखते रहिए जीबी लाइव।